अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी मजे में हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें हम जा रहे हैं एयरपोर्ट अंचित भैया को लेने, जो कि आ रहे हैं जर्मनी से, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आगे आगे व्लॉग में। और उनके लिए सरप्राइज ये है कि वो आज कुकी से भी मिलेंगे, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब वो जर्मनी में थे और उन्हें पता नहीं है कि वो भी आ रही है। Hey Soha, finally I reached Frankfurt Airport and I'm pretty excited to meet you and especially to our little princess because jab paida hui thi I wasn't there and I'm going to catch a flight in few minutes and I'm going to see both of you tomorrow morning. Hey. Main exact usme hu jo naya wala flyover nahi bana airport ka uske upar. Ha, wo chadne wala hu 1 second. So finally we touched down to New Delhi and I'm very excited to meet our little princess and Soha and they are waiting outside. So I'm just apna bag collect karne ja raha hu aur uske baad direct bahar tumse milunga. Thoda sa plan mein change ho gaya, ab hum airport nahi ja rahe hain kyunki hum late ho gaye the nikalte. Ab hum seedhe ja rahe hain nashta karne. Hamari gaadi mein petrol bhi khatam ho gaya. और हम नाश्ता करने जा रहे हैं, उनको खाना है पूरी सब्जी, क्योंकि वो प्रॉबेबली यहाँ पर मिस करते होंगे ना, वहाँ पूरी सब्जी मिलती नहीं होगी। और मेरे मियाँ का मूड ऑफ हो गया पूरी सब्जी सुन के। तो अंचित भाई बहुत एक्साइटेड है कुकी से मिलने के लिए, पर अभी उन्हें पता नहीं है ये उनको देख के कैसी चीख मारेगी। अब हमारी गाड़ी में बचता है कोको मेलन, गाने वाने सब खत्म। और ये अब हम उनका वेट कर रहे हैं डैडी ड्यूटी पे, अजहर जावेद साहब पता नहीं कहाँ रह गए, कब आएंगे? उन्हें बोला है, उन्हें तो टाइम लग रहा है, जब तक तुम लोग पेट पूजा करो। तो ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस में से एक है जगरनॉट, ये दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में है। यहाँ पर हम डोसा और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ पूरी सब्ज़ी भी बहुत मज़े की मिलती है, सबसे अच्छी होती है यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी। मुझे अंचित भैया से ज़्यादा इंतज़ार है मेरी कॉफ़ी का, वो ना भी आए तो चलेगा, मेरी गरम गरम कॉफ़ी आ जाना चाहिए। रह गई मेरी हंसी बुलबुले भरी खूबसूरत सी कॉफ़ी। यह अजहर जावेद कुकी को पट्टी बढ़ाते हुए कि बेटा नानी का सारा माल तुम्ही को हड़पना है, नानी और नाना को अपने काबू में रख लो, उनका सारा माल हमें हड़पना है। आ गए मेरे अंचित भैया। क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अंचित भाई से मेरी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी, अपनी शादी से तकरीबन 1.5 ईयर पहले। मैं उनसे मिली, उनकी इन्फेक्शियस लाफ्टर और उनकी पॉजिटिव एनर्जी से मुझे पता नहीं एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया। वो मेरे मियाँ के बेस्ट फ्रेंड हैं ये तीन, मोनिस, अजहर जावेद यानी कि मेरे मियाँ, और अंचित भैया। इनकी दांत काटी दोस्ती है और ये एक दूसरे के पीछे बस पागल हैं। पर अब मेरी अंचित भैया से भाई बहन वाली रिलेशनशिप है, मैं उनकी मम्मी को मम्मी कहती हूँ और वो भी मुझे अपनी बेटी मानती हैं। और तो बस ये है हमारे अपने प्यारे अंचित भैया। टीचर्स होंगी तो मैं स्कूल छोड़ने, बेटा मेरी जिम्मेदारी मेरा है ही क्या, मैं तो तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, तुम्हारे टीचर से तुम्हारी खबर लेनी। कहते हैं ये सब समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को भी कुदरती समझ होती है कि कौन उनका अपना है। इसको देखिए इतनी देर से कैसे ध्यान से उनकी बातें सुन रही है। ये है हमारे क्यूट एंड फनी अंचित भैया। भैया लास्ट ईयर मार्च में आए थे, तब के गए हुए, अब उन्हें फाइनली पूरी सब्जी और छोले भटूरे खाने को मिल रहे हैं, और साथ में है तरबूज और गन्ने का मज़े मज़े का जूस। और इनसे मिले ये है मोनिस। जा रहे हो क्या तीनों? हम जाएं? हाँ ये हम जा रहे हैं। Yeah.
तो बॉयज जो है वो चले गए हैं, मेरे मियाँ को मुझसे छीन लिया गया है और तीनों दोस्त अपने मजे करने गए और हमें दे दी गई है गाड़ी के तुम हम लोग घर जाओ। तो मैं जा रही हूँ आपकी प्यारी गुलाबशाह बाजी को पिक करने और मुझे लगता है गिफ्ट्स जो हैं अब घर जाके ही खुलेंगे। सारा एक्साइटमेंट तो कोई बाहर से आया होता है तो उसके अलावा गिफ्ट्स का होता है, उस आदमी का क्या एक्साइटमेंट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको भी सेम फील होता है। ओके सी यू, खुदा हाफिज़।